जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और तुम्हारा भाई सुबह नहीं हुई है, अभी काम कर रहा है बहुत देर से। आपको पता ही है वेट आ नहीं रही है 2-3 दिनों से, एक्चुअली हड्डी चुकी है, दूसरी लगानी पड़ेंगी अब। तो तुम्हारे भाई ने आज 2 दिन बाद पहले तो झाड़ू लगाई है पूरे घर में, पूरा घर साफ करा है, बालकनी नहीं लगा पाया बालकनी में, क्योंकि भाई बालकनी में झाड़ू से बात बनेगी नहीं, बारिश पड़ रही है तो गीली भी है, वो धोनी पड़ेगी, वो तो ले जाएगी आधा घंटा। तो हमने कहा ठीक है आप ऐसे ही रहो, तो भाई झाड़ू लगा ली पूरे घर में, पानी पी लिया, कोलगेट कर लिया, अब बनाएंगे चाय और चाय पियेंगे, फिर करेंगे काम, नहाना धोना और वीडियो का काम स्टार्ट। चलो करते हैं, एक करके थक गया यार तुम्हारा यार सुबह सुबह झाड़ू लगा के। चलिए जी चाय की तैयारी करते हैं, फटाफट से एक कप चाय बनाते हैं बेहतरीन सी, ठीक है। तुम्हारे भाई ने चाय वाय भी नहीं पी है यार, कल शाम को भी नहीं पी थी। एक कप चाय में एक कप पानी डाल देता हूँ मैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा लेते हैं, चलो फेंक देते हैं, थोड़ा दूध डाल देंगे ना। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे, मैं बताना चाहता हूँ भाई तुम्हारे भाई की चाय बड़ी स्पेशल रहती है। दूध से मेरे को सख्त एलर्जी सी है, एलर्जी नहीं है मतलब मेरे को दूध यार पसंद नहीं आता, तो मैं थोड़े कम दूध की चाय वाय वगैरह बनाता हूँ। तो ये अपनी चाय चढ़ चुकी है, उसमें चीनी पत्ती, इलायची, लौंग और अदरक थोड़ा डालते हैं, चिमनी चलाते हैं, और चिमनी चलाते ही आवाज़ आ जाएगी तो क्या हुआ मैं ब्लॉग को रोक दूंगा। सब कुछ गल चुका है, अब बस इसे खोलाना रह गया है, तो थोड़ी देर में खोल जाएगी 2-3 मिनट में, और फिर चाय के साथ एक आध रस खाते हैं। जो लोग केवल शेयर मार्केट भी देखते हैं मुझे, भाई देखो ये सब भी करता हूँ मैं, आज तो झाड़ू भी लगाई है तुम्हारे भाई ने, घर देखो साफ लग रहा है, नहीं लग रहा, ऑल क्रेडिट गोज टू मी। बालकनी में नहीं लगाई क्योंकि भाई मैंने बताया ना बारिश हो रही है तो वो गीली गीली है, तो झाड़ू तो गीले पे लगा नहीं सकते हम, है ना, तो उसके लिए पोंछा भी लगाना पड़ता था, टाइम ज़्यादा चला जाता। बेड शीट देखो सेट करी है, आज ये ब्लैक शर्ट पहननी है, टी शर्ट सॉरी, तो ये निकाल के रख ली। तो तुम्हारे भाई ने सारे काम करे आज घर के, भाई पापा जा चुके हैं ड्यूटी, सुबह 8 बजे ही निकल जाते हैं यार पापा। तो भाई आपके सामने जैसा हूँ वैसा ही हूँ, है ना, ऐसी कोई बनावटी चीज नहीं दिखा रहा कि हाँ यार हूँ तो कैसा और दिखा बनावटी रहा हूँ। अब सुनी चल गई ना चाय, बोल रही है चाय हो चुकी है रेडी, एक कप बनाई थी यार आधे कप रह गई, आज तुम्हारा भाई 2 रस खाएगा, 2 इसलिए क्योंकि भाई खाना तो पता नहीं कितने बजे खाने जाना होगा, तो थोड़ा कोटा करके चलना चाहिए ना, इसलिए 2 खा लेते हैं, वरना एक ही खाता हूँ मैं सुबह सुबह, सुबह सुबह मन नहीं करता कुछ खाने का नहाने से पहले, तो फटाफट से चाय और बस खाते हैं, फिर नहाते हैं धोते हैं। अभी मैं बता दूँ 9:02 है, प्री ओपनिंग होने वाली है, विंडो खुली हुई है, प्री ओपनिंग हो जाएगी, प्री ओपनिंग 9-8 तक सेटल हो जाएगा मार्केट, सेटल होके देख कर चले जाएंगे नहाने, फिर आके पूजा करके वीडियो बनाने बैठेंगे। बाकी बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि भाई बाहर का खाना मत खाओ घर पे ही बना लो, भाई मैंने तो आपके सामने सब कुछ रख ही दिया है, पूरे दिन मेरे पे कितना टाइम रहता है कितना नहीं रहता है, और शेयर मार्केट चैनल पे आप तो देखते ही हो, हाँ सेहत भी जरूरी है, अब ये भी कहोगे भाई आप भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ, मैं बस काम को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे देता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, और बनेगा भी नहीं भाई खाना मुझसे नहीं बनेगा, मुझे पता है ना, खाना बनाने जाऊँगा ना वो 20 मिनट के काम को आधे घंटे में कर पाऊँगा, 1 घंटे में कर पाऊँगा, और उसके बाद मेरा जो काम मिस हो जाएगा उसकी अलग टेंशन, इससे अच्छा तो बाहर जाके खा जाता हूँ भाई, खराब खराब क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं। 9:56 का समय हो रहा है दोस्तों, और पोजीशन 4,000 रुपए लॉस में, 2% नीचे हो चुका है। अभी समझ में तो ये नहीं आ रहा है बाजार गिर रहा है या शेयर बाजार को गिरा रहा है, क्योंकि शेयर बहुत दमदार है आप सभी तो जान चुके हो अब तक। मार्केट भाई साहब 25,000 के नीचे फिसलता हुआ दिखा है कुछ समय के लिए, ये नेगेटिव संकेत है, ये काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं, और कल मतलब लग भी रहा था कि टूटना चाहिए, और मैंने आपके साथ वीडियो में भी डिस्कशन किया ही था, पर्टिकुलरली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस स्टॉक पे भी कल, जहाँ मैंने कहा था कि थोड़ा वीक हो गया है नीचे जा सकता है, और नीचे जा रहा है एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, बट हमने खरीदते समय एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, कोई इशू नहीं है ऊपर आएगा हमें पूरा भरोसा है। 25,000 के नीचे निफ्टी दोबारा निकल गया है दोस्तों, ये थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है मुझे, ये नेगेटिव दिख रहा है, और आज वीकली क्लोजिंग भी आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं मतलब बाजार के लिए, ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वीडियो बनाते हैं वहीं पर बात करते हैं सारी चीज़ें। दोस्तों बाजार का हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिख रहा है, लेकिन मौसम का हाल बहुत ही दमदार दिख रहा है, सुबह से बारिश हो रही है आज, हल्की हल्की बूंदाबांदी
मतलब नाम की बारिश है लेकिन मौसम को बड़ा तंगड़ा बना के रखा हुआ है। शायद मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, पर सामने से देखिए आप, देखो पूरी ग्रिल गीली है और मौसम देखो, रोड वगैरह सब गीले हैं, मौसम आंखों से मतलब धुंधला धुंधला तो है सब, जैसे कैमरे में दिख रहा है वैसे ही एक्चुअल है। बाजार की रेल लगी हुई है, निफ्टी करीब 250 पॉइंट टूट गया है, और जब निफ्टी अराउंड 200-250 पॉइंट टूट जाता है किसी भी भाव से, मैं ETF में खरीदारी कर लेता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली शुरू करा है, पूरा फंड विड्रॉ कर लिया था आपको तो पता ही है, फिर अभी जब शुरू करा है तब से डेली बेस पे, डेली मीन्स जब भी बाजार गिरता है मैं खरीद लेता हूँ। तो आज निफ्टी 250 पॉइंट गिरा था तो मैंने थोड़ा सा पैसा लगा दिया ETF में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट वाली पोर्टफोलियो है मेरी अपस्टॉक की। 10:40 का समय हो रहा है, 6 सितंबर है। अभी मैंने निफ्टी ETF को थोड़ा सा एवरेज किया है, अभी 265.45 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने देखो आप 10 क्वांटिटी 2600 रुपए का उठाया है, 265.51 पे लिखा आ रहा है, बट मैंने इसको 57 के अराउंड उठाया है, तो एवरेज हो गया होगा शायद कुछ होके। तो ये अभी मैंने जस्ट पिक करा है अपनी इन्वेस्टमेंट वाली पोर्टफोलियो में। मैंने इसमें लगभग देखो, आप देखो ऊपर देख सकते हो, फर्स्ट में ETF है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे नौ सेक्टर बनाए हुए हैं मैंने, जहाँ पे मैं गिरावट में निवेश करता हूँ। अभी तो थोड़ा पैसे ही कम है, और उधर जो 2 लाख का सौदा लिया है वो तो गड्ढे में जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो ये अपन ने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी देखो ये प्रॉफिट में आ गई पोजीशन, तो ये चलता रहता है ऐसे। ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब इसे तो छेड़ना ही नहीं है, इसमें सिर्फ लगाना ही लगाना है, निकालना ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट वाली पोर्टफोलियो काफी अच्छी ट्रेड कर रही है। अब आज तो करीब करीब ये भी 1% के समथिंग नीचे है, बट 1% ही नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं है। इसमें करीब मेरे को अभी मैं एग्जैक्टली अगर देख पाऊँ तो 3.5% का ओवरऑल नेट गेन चल रहा है। इसे ज्यादा पुरानी नहीं है पोर्टफोलियो, अभी बनाना शुरू करिए, जैसे कि मैंने बताया आपको करीब 3% समथिंग अभी भी स्टिल ऊपर है, लाइट चली गई, तो अभी 3% के समथिंग ऊपर है। करीब करीब इसमें मेरे को 2 महीने के करीब ही हुए हैं, 2 महीने 1.5 महीने, तो ये चल रहा है, बढ़िया चल रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट वाला। खैर मैं ऐसे तो देखता ही नहीं हूँ, बस जिस दिन निफ्टी गिरता है ETF उठा लेता हूँ, या जब पैसा होता है तो स्टॉक देखता हूँ कौन सी नीचे उन्हें उठा लेता हूँ। इस तरीके से मैं टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करता रहता हूँ। और देखो ये जो हुआ है ना, कभी कभार मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तो हो जाता है अचानक लाइट चली जाती है, तो कहते हैं भाई, लोग कमेंट करते हैं भाई रिचार्ज नहीं कराया क्या, भाई की बिजली चली गई। अब देखो अपने आप आ जाएगा क्या, पावर बैकअप पे शिफ्ट होता है सोसाइटी में, इन्वर्टर वगैरह का हिसाब किताब नहीं है भाई, लाइट जाती है तो पावर बैकअप पे शिफ्ट आता है ना, तो वो लगता है करीब करीब 30-40 मिनट। अभी ये तो UPS लगा रखा है मैंने कंप्यूटर, वरना कंप्यूटर की तो विंडो ही उड़ जाएगी, आपको पता ही होगा। तो अभी ये करीब करीब ले लेगा एक, कभी मैक्सिमम 3 मिनट लेता है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट। देखो पंखा अभी चल रहा है ना जो घूम रहा है, ये घूमता दिख रहा हो शायद आपको, ये पूरा रुक नहीं पाएगा तब तक लाइट आ जाएगी। अब हम इंतजार करते हैं कब तक लाइट आती है, यहीं बैठा है आपका भाई, घर पर कोई भी नहीं है यार, ये तो बेइज्जती वाली बात हो रही है, बड़ा लंबा समय जा रहा है आगे, देख रहे हो यही होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड लगे होंगे। अब इस बीच में कई बार मैं एडिट करना भूल जाता हूँ ये पार्ट, और जिस दिन भूल जाता हूँ उसी दिन भाई कमेंट पढ़ने में जो मजा आता है फिर आपके, भाई लाइट चली गई, ऐसे करके कमेंट आते हैं। बारिश स्टिल हो रही है दोस्तों, टाइम जल जा यार इसमें ना, ये बटन लो भाई, इसकी बैटरी नहीं है, तो ये आपकी बारिश हो रही है स्टिल, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं हो रही है बारिश में। आज बड़ा प्यारा मौसम चल रहा है, मतलब मौसम देखो तो मजा ही मजा, और बाजार देखो तो सजा ही सजा, भाई राइमिंग बन गई, मानते हो कि नहीं, मौसम देखो तो मजा ही मजा और मार्केट देखो तो सजा ही सजा, आज तो यही हो रहा है हकीकत में, हमारे यहाँ तो यही है, क्योंकि मौसम हो रहा है दमदार और मार्केट हो रहा है, मार्केट तो सब जगह ही खराब है। 3:34 पोर्टफोलियो दिखाऊं या रहने दो, पोर्टफोलियो तो नहीं है एक शेयर है केवल, धज्जियां उड़ गई हैं आज तो, पर अपने को क्या है, अपना कौन सा बड़ा नुकसान है, ठीक है भाई साहब। आज बाजार ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को दिन में तारे दिखा दिए होंगे, बढ़िया करके पिटाई पड़ी है भाई, तो सबका बुरा हाल लग रहा है मुझे। आज मैं बैठ चुका हूँ वीडियो बनाने, और वीडियो बनाने जा रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक पे, सामने कैमरा चल रहा है, ये देखो स्क्रीन में मैं दिख रहा हूँ आपको छोटा सा, तो वीडियो बना लेते हैं। मौसम बड़ा डेंजरस हो गया है भाई एक बार फिर से, आंधी तूफान बारिश सब, पहले तो देखो अपने आप पंखा हिल रहा है, बारिश होने रही है बहुत भयंकर वाली, बैक कैमरे से दिखाऊंगा, कपड़े उड़ के नीचे गिर गए, इन्हें पहले तो उठा लूं, वरना ये मैं जब भी कहूँ रात से कपड़े सूख क्यों नहीं रहे, सूखेंगे कैसे, वो बार बार गीले हो जाते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से भाई, बारिश बहुत भयंकर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, फटाफट कपड़े अंदर करूँ पहले तो सारे, और आपको बैक कैम भाई सारा धुंधला हो गया, कुछ नहीं दिख रहा बादल, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखो भाई बादल देख रहे हो कैसे हो रहे हैं, बहुत ही डेंजरस माहौल है बारिश, ये देखो बादल
सब धुंधला हो गया भाई, सब धुंधला। हमारी तो बालकनी हम क्या साफ नहीं कर रहे, बालकनी भगवान जी रोज बारिश करके साफ करवा देते हैं। बहुत ही डेंजरस माहौल हो रहा है भाई, इतनी खतरनाक वाला मौसम हो गया ना, बहुत ही डेंजरस। बारिश ऐसे जा रही है जूं जूं जूं, इधर आ रही होती तो हम यहाँ खड़ी थोड़ी हो, देखो मैं ग्रिल पे खड़ा हूँ बिल्कुल, और बारिश ऐसे जा रही है तो उस तरफ आ रही है, पीछे से पूरी बालकनी गीली हो गई हुई, देखो है वहाँ पे गीली हो गई कुर्सियों के पास तक, बहुत तेज हो रही है भाई, आवाज़ भी शायद आ रही हो आपको, ये देखो। इस सुहाने मौसम में इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। आज तो मार्केट में धज्जियाँ उड़ गई पोर्टफोलियो की भी, खैर हमने इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में तो ETF खरीदा, वो मैंने आपको दिखाया ही था, स्टॉक और हो गए दो तीन खरीदने लायक, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट मार दूंगा। इन्वेस्टमेंट वाली को तो अपन छोड़ते ही छेड़ते ही नहीं है, 8-10 साल कोई फर्क ही नहीं पड़ना। और ट्रेडिंग विंडो में मैंने आपको दिखाया 5,100 कुछ समथिंग रुपए का लॉस हुआ था, क्लोज हो गया, वो मैंने आपको दिखाया। अब देखते हैं मंडे कहाँ खुलेगा, अपने कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने को अपने शेयर पे पूरा भरोसा है। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम, बाय बाय।